डियर स्टूडेंट्स, हम अब तक स्कैटरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्शियल वेव मेथड का यूज समझ चुके हैं। उसके एप्लीकेशंस हमने देख लिए हैं, रेजोनेंस, ब्राइट विगनर फॉर्मूला, ये सब जो है वो पार्शियल वेव मेथड से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम ग्रीन फंक्शन अप्रोच एंड लिपमान स्विंगर इक्वेशन की स्टडी करेंगे। एक्चुअली जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्शियल वेव मेथड लो एनर्जी स्केटरिंग के लिए यूज किया जाता है और यदि हाई एनर्जी स्केटरिंग हो तो हम पार्शियल वेव मेथड को यूज नहीं करते। तो ये जो मेथड है ग्रीन फंक्शन मेथड या लिपमान स्विंगर इक्वेशन, हाई एनर्जी स्केटरिंग और जो कंप्लीट फॉर्म है स्केटरिंग एम्पलीट्यूड की, उसको निकालने के लिए यूज की जाती है। एक्चुअली ये जो लिपमान स्विंगर इक्वेशन या ग्रीन फंक्शन अप्रोच है, उसकी ब्यूटी ये है कि हम यहां एनर्जी, हाई एनर्जी स्कैटरिंग की स्टडी करने के लिए एक कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन डेवलप करते हैं, जबकि पार्शियल वेव मेथड में हम स्कैटरिंग के कंप्लीट एनालिसिस के लिए एंगुलर मोमेंटम के अलग अलग कंपोनेंट्स लेते थे। सो फॉर स्टडिंग हाई एनर्जी स्कैटरिंग, हाई एनर्जी स्कैटरिंग मीन्स द व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव इज हाई इन कंपैरिजन टू द पोटेंशियल एनर्जी यू आर, दिस मेथड इज यूज। And as we previously discussed, the time-dependent Schrodinger equation is del square plus k square psi r. This is equal to 2 mu over h cross square u r psi r, where k square equal to 2 mu e over h cross square. If we observe this equation, then we find that this equation is very much similar to the Poisson equation which you used in electrostatics, del square phi r equal to 4 pi rho r equal to minus rho r over epsilon 0. This is Poisson equation. Or is Poisson equation ka solution jo hum प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वो ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है या ग्रीन फंक्शन मेथड यूज किया जाता है, और उसके लिए जो ग्रीन फंक्शन डिफाइन किया जाता है दैट इज जी आर आर डैश। एंड डेल स्क्वायर जो ग्रीन फंक्शन डिफाइन किया जाएगा किया गया था, डेल स्क्वायर जी आर इक्वल टू माइनस 4 पाई डेल क्यू आर माइनस आर डेस। हियर आर माइनस आर डेस इज द वॉल्यूम एलिमेंट। ओके, हियर जो साई रो आर, दिस इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ स्पेस। ओके, और जो ग्रीन फंक्शन हमने यूज किया है, उस ग्रीन फंक्शन अप्रोच से अगर पॉइजन इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें, एज यू ऑलरेडी डिड इट इन एमएससी प्रीवियस क्लासेस क्लास, द सॉल्यूशन वाज फाई आर इक्वल टू रो आर डैश जी आर आर डैश डी क्यू आर डैश, इट इज कंप्लीट इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम
the solution of Poisson equation can be written as an integral of the sources over all space. This density is for the sources. और इस मेथड को हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं. इट मीन्स ब्रीफ में हम कहें तो जो पॉइजन इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्रीन फंक्शन के रूप में लिखा गया था, उस अप्रोच को हम श्रोडिंगर इक्वेशन जो स्कैटरिंग के लिए है उसके लिए यूज कर सकते हैं. और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए साई आर की फॉर्म जो है वो इक्वेशन नंबर 4 की तरह से मिलनी चाहिए. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वन पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव व्हाइल द अदर पार्ट रिप्रेजेंट द स्कैटर्ड वेव. और यदि हम ग्रीन फंक्शन जी आर आर डैश इसके लिए डिफाइन करें तो जो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है नंबर 1 उसके लिए इसका जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो डेफिनेशन इस प्रकार से या इस प्रकार से, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जी आर आर डैश इक्वल टू 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर डेल क्यू आर माइनस आर डैश टाइप की होनी चाहिए. और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है दिस हेल्प अस टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और उसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल हैव द फॉर्म साई आर इक्वल टू 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ यू आर आर डैश साई आर डैश जी आर आर डैश डी क्यू आर, जैसे यहां पे ये सॉल्यूशन लिखा था हमने इक्वेशन नंबर 3. ये पॉइजन इक्वेशन का सॉल्यूशन था और ये जो सॉल्यूशन है वो किसका होगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. एंड इफ आई अप्लाई डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6 देन यू हैव इक्वेशन नंबर 7 डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर इक्वल टू 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर यू आर साई आर. इस तरह से दिस इज डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. देन दिस इज व्हाट, ये जो इक्वेशन है दिस वन, दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 1. तो दिस शोज दैट एज फॉर द पॉइजन्स इक्वेशंस द सॉल्यूशन साई आर इन द प्रेजेंट केस मीन्स स्कैटरिंग केस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन इंटीग्रल ऑफ द सोर्सेस ओवर होल वॉल्यूम. और जो ये सॉल्यूशंस हैं इन सॉल्यूशंस की एक ब्यूटी है, दिस सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूनिक बिकॉज हम जो देख रहे हैं हमने जो स्कैटरिंग के लिए वेव फंक्शन लिखा था उसमें 2 पार्ट थे तो उन 2 पार्ट्स के लिए हमें यहां जरूरी है कि इस जो ये जो सॉल्यूशन है इसकी यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए. यानी कि इफ वी एड साई 0 आर इन इक्वेशन नंबर 7 देन इक्वेशन नंबर 6 देन यू कैन हैव साई आर इक्वल टू साई 0 आर प्लस 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर यू आर डैश साई आर डैश जी आर आर डैश डी क्यू आर डैश. दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 यदि इफ डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 0 आर ये 0 के बराबर हो तो डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 8 भी इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगी. इट मींस दैट वी कैन ऑलवेज ऐड एनी होमोजीनियस सॉल्यूशन टू द टोटल सॉल्यूशन जैसे हमने अभी ऐड किया है. और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इफ यू इक्वल टू 0 दैट मींस देयर इज नो इंटरेक्शन
दैट इज देर इज नो स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग नहीं है दैट मीन्स पोटेंशियल इज जीरो, तब जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट सॉल्यूशन विल बी साई आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर। तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन मिलेगा साई आर, जब कोई स्कैटरिंग नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर होगा। और यदि हम ये जो सॉल्यूशन है दिस इज इक्विवेलेंट टू साई जीरो आर, तो जो फिक्स सॉल्यूशन यानी टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा साई आर का, उसमें हम जो विदाउट इंटरेक्शन वाली जो टर्म है यानी कि नो स्कैटरिंग वाली जो टर्म है उसको जोड़ दें, तो अपन को ये इक्वेशन नंबर 11 मिल जाएगी, साई आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर प्लस टू म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर यू आर डैश साई आर डैश जी आर आर डैश डी क्यू आर डैश। और यदि हम इसको कंपैरिजन करें देन जो टोटल सॉल्यूशन है उससे, तो हमें पता पड़ेगा क्लियरली कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्कैटर्ड वेव। इट मीन्स द स्कैटर्ड वेव फंक्शन साई स्कैटर्ड आर इक्वल टू टू म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर यू आर डैश साई आर डैश जी आर आर डैश डी क्यू आर डैश। दिस इज द स्कैटर्ड वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ग्रीन फंक्शन, एंड यू सी हियर दिस इज एन इंटीग्रेशन इंटीग्रल फॉर्म। और ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है, दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज द लिपमान स्विंगर इक्वेशन। थैंक यू।